सर हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से करवाया? तो तुम कहानी सुनो हेयर कट की, थोड़ी सी आज अपना रिलैक्स है, लेक्चर तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, मैं गया कल बाल कटवाने और बड़ी हाई फाई दुकान थी, तो पहले मुझे लग रहा था कि यार किसी सस्ती दुकान से कटवा लेते, फिर मैंने कहा चलो इस बार स्टाइलिश, लेट्स ट्राई सम स्टाइल। तो मैं गया उनके पास, अंदर जाते ही मुझसे पहला सवाल क्या पूछा गया, जो रिसेप्शन पे बैठती है जो लेडी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। मैंने पहले पूरी दुकान को ध्यान से देखा, मैं कहा यहाँ पे ये और क्या क्या बेचते होंगे, फिर मैंने कहा कुछ नहीं हेयर कट। बोले नो सर यू डोंट गेट मी, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा अच्छा समझाओ फिर। बोलेगी कॉफी जूस, हॉट कॉफी, चॉकलेट शेक, क्या लोगे? मैं कहा बेटा गलत जगह आ जाए, आज तो लपेटा जाएगा। हाँ बट अपने भी असली इंडियन है। तो मैंने कहा मैं वो सब उस पे आता हूँ, वो सवाल ही मैंने इग्नोर कर दिया। मैं सीधा मैंने कहा ये बताओ बाल काटने के कितने रुपए लोगे? उसे बोला सर हमारा जो प्राइस है वो 300 रुपीज है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर आया, फिर मैंने कहा हाँ अब मैं कॉफी लूंगा हॉट वाली, ठंड है हॉट कॉफी मंगवाई जाए। बोला ठीक है सर। वो बोला कि सर कैसा हेयर कट करना है? मैंने कहा स्टाइलिश, ठीक है और क्या। अब स्टाइलिश कहते ही मैं समझ गया, मेरे मन में थोड़ा थोड़ा डाउट था क्योंकि ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका है। वो क्या करते हैं ट्रिमर लेके आते हैं और सीधा यहां रख के एक पूरा हिस्सा ही उड़ा देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं करेगा, थोड़ा बढ़िया सा लुक देगा। उसने वही किया, मैं मोबाइल चला रहा जब तक वो आया, उसने ला के ट्रिमर यहाँ लगा के और आधे उड़ा भी दिए। मैं कह रहा बेटा तूने ये क्या कर दिया यार। बोले कि सर नीचे से चमड़ी दिखाई देगी तो बहुत अच्छा हेयर कट आएगा, आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में। मैंने कहा देख नीचे से चमड़ी वमड़ी कुछ नहीं, तूने ज्यादा छोटे कर दिए बट अब इतने ही रहने दे, ऊपर से थोड़े कम छोटे कर देना। बोले ठीक है। थोड़ी देर तक वो बाल काटता रहा अपने हिसाब से, फिर बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं टीचर हूँ। तो उसके चेहरे पर एक अलग सी सार्कास्टिक स्माइल मुझे दिखाई दी। मैं समझ गया कि बेटा ये इस बात से हंस रहा है कि टीचर होकर इतना स्टाइलिश हेयर कट। मैंने कहा हाँ बेटा ज्यादा हंस मत, ठीक है टीचर हूँ बट मॉडर्न टीचर हूँ, समझ में आया, आज का टीचर हूँ तो अपने भी एकदम स्टाइल में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राजवंत सर का भी हेयर कट, उन्हीं को देखकर तो मैं इंस्पायर हुआ था। फिर मैंने कहा चलो इसने ऐसा कर तो दिया, अब राजवंत सर की तरह दिखने की कोशिश करता हूँ। मन ही मन में मैं तो सोच रहा था टॉम क्रूज कट करवाऊंगा और टॉम क्रूज जैसा दिखना चाह रहा हूँ, बट उन्होंने क्या है मेरे ख्याल से उन्होंने टॉम हटा दिया, सिर्फ क्रूज कट कर दिया। पर ठीक है वाला नाम मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। जाते जब उठने लगा, वहां से उठने लगा तब उसका स्टार्ट, उसको पता था ये कॉफी पी चुका है। बोले अब इसको लपेटो। बोले कि सर कुछ हेड मसाज हो जाए, कुछ थेरेपी हो जाए। मैं कहा नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी क्लास है, थेरेपी वेरेपी कुछ मत दो मुझे, अब यहाँ से जाने दो तुरंत। और जो मैं गोली की स्पीड से बाहर आया हूँ 300 रुपए देके, मैं चलो भैया निकलो यहाँ से वरना ये आज जो कॉफी पी है उसका पूरा दुगना कर देंगे, 1500-2000 रुपए का बिल बना के पकड़ा देंगे। बोले ये लो, समझ में आया कि नहीं समझ में? ऐसी जगह पे जाए तो थोड़ा सतर्क होके जाए, ठीक है जी। चलिए एक बोला तो 300 में लूट लिया, उतना चलता है कोई बात। वो 50 रुपए वाले जमाने गए यार, पीपल के पेड़ के नीचे हो गए।